तो दोस्तों लोग ना कहते हैं रिस्क लेना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेना चाहिए। करेक्ट करेक्ट है, रिस्क लेना चाहिए। कौन सा रिस्क? जिस रिस्क को आप मेजर कर सकते हो उस रिस्क को लेना चाहिए, जिस रिस्क के बारे में आप कुछ समझ सकते हो, जिसको आप आंक सकते हो। एक जगह है जहां से आपको कूदना है, आप देखते हो अच्छा ये 5 फुट है, मैं कूद सकता हूं, मेरे पैर मजबूत है, मैं जवान हूं, 5 फुट कूदो। रिस्क है, पैर में मोच आ जाएगा, स्प्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लग जाएगा, रिस्क है। लेकिन ये 5 फुट मैं देख रहा हूं, 5 फुट है, कूदो। कुछ नदी ऐसे होते हैं जहां पे नदी बहुत प्रख्यात होते हैं, बहुत प्रख्यात, वेरी वेल नोन। लेकिन नदी में कुछ जगह ऐसे होते हैं, उस जगह पे कूदोगे डूबना निश्चित है। क्यों? क्योंकि वहां पे करंट्स है, वहां पे पानी गोल गोल घूमता है। यह बात लोकल्स को पता है, आपको पता नहीं। जिधर पानी का भंवर बनता है वो लोकल्स जानते हैं कि हां यहां पे साहब मत कूदो, यहां पर इस जगह पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अरे लेकिन दिखने में बड़ा सेफ है। हां सर वहां पे सेफ है, उस जगह पे जाओ, वो घाट से आप कूदोगे जनरली सेफ है, लोग सही सलामत वापस आते हैं। यहां पे कूदोगे सीधे अंदर, सेम नदी सेम रिवर, जगह अलग है या फिर समय अलग है। बारिश का समय है सर, नदी यहां पे इस मौसम में नहीं तैरते, सिंपल। लेकिन आपके पास अगर रिस्क असेसमेंट करने का कोई तरीका नहीं है, मत कूदो ना, मत जाओ ना उस पानी में, सिंपल सी बात है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको लोधा बिल्डर, गोदरेज बिल्डर, पिरामल बिल्डर, रुनवाल बिल्डर नाम दिखाई देते हैं, सब लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कोई आलू चालू पटेल बिल्डर, कोई आलू चालू अग्रवाल बिल्डर, कोई बड़े बड़े नाम रुस्तम जी बिल्डर, वो भी दिखाई देता है। यू डोंट नो द डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि अग्रवाल बिल्डर डेंजरस है, जरूरी नहीं है कि रुस्तम जी बिल्डर सेफ है, आपको पता नहीं है। जरूरी नहीं है कि रुस्तम जी के 10 प्रोजेक्ट सेफली डिलीवर हुए हैं तो 11वां भी सेफ है। हो सकता है कि उसके 10 प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, अच्छे थे, 11वें में वो जुगाड़ कर रहा है। सेम नेम रुस्तम जी। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक पूरी लोकेलिटी है मुलुंड में जिसका नाम है निर्मल लाइफस्टाइल, पूरा लोकेलिटी है निर्मल लाइफस्टाइल, निर्मल लाइफस्टाइल नाम का बहुत बड़ा बिल्डर, 2 लोग हैं पार्टनर्स, बहुत अच्छे लोग हैं, सुभद्र लोग हैं, यानी आप कह नहीं सकते वो बुरे लोग हैं। लेकिन उन्होंने हजारों लोगों को, हजारों फैमिलीज को डुबाया है, हजारों फैमिलीज को। उनको अवार्ड्स मिलते हैं, राजभवन में बुला के उनको शाबाशी मिलती है डुबाने के बाद, डुबाने के बाद। अब आप मुझे बताओ अच्छा कौन बुरा कौन। 15 साल पहले आपने अगर निर्मल लाइफस्टाइल कहा होता तो सब लोग वाहवाही करते, वाहवाही के सिवा कुछ नहीं, बिग नेम। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो डूब गए हैं। उनके 10 प्रोजेक्ट अमेजिंग थे, 11वां प्रोजेक्ट डूब गया, 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें डूब गए। और कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ बिल्डर्स के नाम ऐसे हैं कि आज आप उनको याद भी नहीं करोगे, कि कोई उनको याद नहीं करता है, लेकिन वो एक जमाने में, नॉट लॉन्ग अगो, 4-5 साल पहले बड़े नाम थे, या 10 साल पहले बहुत बड़े नाम थे। और कुछ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स रह गए तो रह ही गए, उनके नाम पे मुकदमे चल गए, सब कुछ हो गया, उनके नाम पे केसेस चल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को घर नहीं मिले उनको नहीं ही मिले, जिनके लाखों करोड़ों डूब गए वो डूब ही गए। और अगर वो मुझे फोन करते हैं तो मैं कहता हूं भाई ज्यादा उम्मीद मत रखो। इस टाइप के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप अननेसेसरी रिस्क, जिस चीज को आप समझ नहीं सकते हो, जिसको आप नाप नहीं सकते हो, जजमेंट नहीं ले सके, तो रिस्क ऐसे रिस्क मत लो जिसका आप जजमेंट नहीं ले सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनके प्रोसेसेस क्या है आप नहीं समझते हो, उनके पास कितने पैसे हैं और ये प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगा रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हो,
उन्होंने एक सेपरेट कंपनी फ्लोट कर रखा है, सेम ब्रांड, गोदरेज या लोधा या पिरामल, डिफरेंट कंपनी सेम ब्रांड। ये कंपनी के डायनेमिक्स क्या है, ये कंपनी को चला कौन रहा है, ये कंपनी को चलाने वाले का रूल सेट क्या है, किस रूल से चला रहे हैं, किस हिसाब से चला रहे हैं, किस नियत से चला रहे हैं, किस इरादे से चला रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं समझ सकोगे, ब्लैंक वॉल है। ब्लैंक वॉल के ऊपर लोधा लिखा हुआ है या गोदरेज लिखा हुआ है या पिरामल लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। आप उस चीज को देखते हो और कहते हो हाँ ये इसको मैं समझता हूं क्योंकि नाम पिरामल है। आपके दिमाग में एक वहम है भाई, मत करो ये गलती, ये वहम है। ये टाइप के अनमेजरेबल रिस्क जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, उसमें जब आप पड़ जाते हो, आपका नसीब सही चला तो निकल जाओगे, आप पहुंच जाओगे आर पार, नसीब सही चला तो, लेकिन नसीब आजमा रहे हो, अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी उसमें डाल रहे हो, उस रिस्क पे, उस जजमेंट पे, उस हो सकता है जजमेंट है, उस हो सकता है मिस जजमेंट है, आप उस जजमेंट पे डाल रहे हो। मत करो यार ऐसा रिस्क, मत लो, गहराई में पहुंच जाओगे, डेंजर जोन में पहुंच जाओगे, ऐसे रिस्क मत लो। तो फिर इसके सिवाय इसका मतलब मुझे घर नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल घर लो, जो घर आसाम है, जो घर अस्तित्व में है, जो सामने है, जो दिख रहा है, जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, वहां पे डाउट नहीं है, उसको चेक करो, वेरीफाई करो, पता लगाओ ये घर मॉर्गेज नहीं है, पता लगाओ आप जिससे डील कर रहे हो वो घर का ओनर है, पता लगाओ उसका टाइटल सही है, थोड़ा बहुत उसके इरादे पता लगाओ, समझ में आए, वो इंसान है तुम्हारी तरह, उसका तुम जजमेंट ले सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन का खतरे का आपके पास कोई जजमेंट नहीं है, मत करो, सिंपल सी बात है, मत करो। अब इतने सारे लोग करते हैं, हाँ इतने सारे लोग ट्रैक भी क्रॉस करते हैं, और हो सकता है कि बाप दादा के जमाने से वो लोग ट्रैक क्रॉस करते आए हैं और उनको कुछ नहीं हुआ, हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, उनका नसीब सही था, नॉट अ, वैसे मैं उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूं जो कहता है कि हमारे मेरे दादा ने भी रियल एस्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन में डाला था और कमाए, हाँ भाई हुआ, पप्पा ने भी कमाया, हाँ भाई वो भी हुआ, मैंने भी कमाया, मैंने भी 3 अंडर कंस्ट्रक्शन में डाला, कमाया, हाँ हुआ, अब मैं चौथे में डालने जा रहा हूं, मत करो, प्लीज मत करो।